नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम एमपी पुलिस में आज 3 सितंबर में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद हम ये देखें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। लास्ट में कुछ रीजनिंग के भी टॉपिक्स देखें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लास्ट तक देखते रहिए हमारे ये वीडियो। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिकॉज एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं हमें टोटल के टोटल, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, किसी के डाटा नहीं मिल पाए हैं, किसी के क्वेश्चंस थोड़े बहुत फ़र्क भी हो रहे हैं, तो उस बात को आप नेगलेक्ट करिए। अगर आपके पास इसके रियल क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को कुछ मूल्य पर बेचा गया, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो कुल पर लाभ या हानि ज्ञात करें। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं अगर कि दो वस्तुओं को कुछ मूल्य पर बेचा गया और अगर दोनों के मूल्य बराबर होते हैं, तो जैसे कि हमने माना कि दोनों वस्तुओं को बेचा गया 100-100 पे, फर्स्ट वस्तु को भी 100 पे, सेकेंड वस्तु को भी 100 पे, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो हमें उसमें करने क्या होता है, 20% का लाभ बोल रहा और 20% की हानि। तो इसके शॉर्ट अप्रोच हमारे हैं क्या कि आपको लाभ या हानि पूछे, तो 20% लाभ है तो +20, -20% हानि है तो -20, -20 × 20 / 100, जितना आपका लाभ है जितना प्रॉफिट है, इस तरीके से हम इसे करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया कितना, 20 से 20% है तो -4%, यानी कि 4% का लॉस हो जाएगा। अब अगर आपके लॉस यानी कि हानि, सॉरी, तो ये आपका 4% का लॉस हो गया। अब आप अगर आपके क्वेश्चन होते कि इस पर लॉस तो हुआ लेकिन कितने रुपए का लॉस हुआ, तो वो सारे भी आपके निकालने पड़ते, बट वो निकालने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पर बेचा या कितने में ख़रीदा। अब ये हमने इस तरीके से किया, ये हमारा सही है कि नहीं, तो मैं एग्जाम्पल पता नहीं आपको याद रहे कि नहीं, तो हम इसके लिए आपको अच्छे से सॉल्व करके भी बता दूँ कि आपको कन्फर्म रहे कि मैंने आपको सही बताया। तो हमने माना कि दोनों वस्तुओं को 100-100 रुपये पे खरीदे, कह रहे पहले पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ होगा यानी कि 120 पे उसे 120% का लाभ यानी कि 120। इस तरीके के अगर क्वेश्चन होते तो हम क्या करते हैं, 20% का लाभ बोल रहा है 100 रुपये की में बेचा है, तो 100/120 × 100, ये हमारा फर्स्ट सीपी हो गया। फर्स्ट सीपी हमारा, आपको फार्मूला पता होगा, इस तरीके से हमारा कुछ फार्मूला होता है। आप चाहे तो इसे अलग से भी निकाल सकते हैं, सीपी को एक्स मान के, इस तरीके से आपका ये कॉस्ट प्राइस इतना ही आने वाला है। तो ये हमने अगर बोले तो हमारा फर्स्ट कॉस्ट प्राइस अगर आप इसे टोटली कट करो तो ये 25 × 100 = 4 × 12, तो ये आ गया 250/3। एंड सेकेंड सीपी इसी तरीके से निकाला हमने, तो 100/20% की आपकी हानि बोल रही, तो 80/100, अब 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 250/2। अब हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई, दोनों की ये हमारा सेलिंग प्राइस थी। अब दोनों का आप यहाँ से क्या करिए, आपको लाभ या हानि पूछ रहा है, तो लाभ या हानि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने इस वस्तु दोनों को मिला के वस्तु को बेचा कितने में, तो 100 रुपये में एक वस्तु को बेचा, 100 रुपये में दूसरे को, यानी कि 200 में हमने बेचा, तो ख़रीदा कितने में, बिकॉज हमसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है, तो ख़रीदा हमने किस में कितने में, तो 250/3 +250/2, दोनों का हमने कॉस्ट प्राइस जोड़ लिया। तो इस तरीके से आप इसे टोटली ऐड करोगे, 250 को कॉमन लिया तो ये हमारा आ जाएगा 250 × 5/6, अब ये 6 से ये 3 और ये 125, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 625/3। अब 625/3 हमारा ओवरऑल क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है 200। यहाँ से हम इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप अगर इसे कैलकुलेट करो तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो लॉस इक्वल टू क्या हो गया, तो 625/3 -200, इस तरीके से हमारा लॉस कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 25/3। अब यहाँ से आपको पता होगा कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम निकालते किस में है, तो कॉस्ट प्राइस में। अब यहाँ से आप इसका अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज निकाल सकते हो, तो परसेंटेज इक्वल टू होता क्या है, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस, तो लॉस 25/3, कॉस्ट प्राइस 625/3 × 100, अब 3 से 3 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो 625, तो यहाँ भी आपका 4% का लॉस ही हुआ। बट आपने देखा, अगर आपको शॉर्ट अप्रोच यानी कि ये जो हमने आपको बताया, अगर आपको शॉर्ट अप्रोच नहीं मालूम हो, ये जो हमने यहाँ पे आपको बताया, अगर आप शॉर्ट अप्रोच इस तरीके के क्वेश्चंस के जान गए हो,
तो आप इसे कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन देखे 20 and 20 का, या 20 माइनस 20 माइनस 20 × 10, 20/100, इस तरीके से शॉर्ट अप्रोच से हमने इसे निकाल दिया। बट अगर शॉर्ट अप्रोच नहीं पता तो हम इतना लंबा करना पड़ेगा आपको। इस तरीके के क्वेश्चन के जो फार्मूले हमने बताया किसके लिए आपके अलॉट होंगे, जब दोनों के हमारे सेलिंग प्राइस इक्वल होंगे तब। बट अगर दोनों के सेलिंग प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि 10 से 30 के बीच सभी अबाध संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यह आपका क्वेश्चन दिया गया था। तो इसमें आपको क्या करना है कि 10 से 30 के बीच सभी अबाध संख्याओं को लिख लो। तो 10 से 30 के बीच अबाध संख्या सबसे पहले हमारी 11 आएगी, फिर उसके बाद 13 आएगी, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर आपका 29। इतनी हमारे अबाध संख्या हो गई। अब अबाध संख्या को औसत यानी टोटल सम 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 डिवाइडेड बाई जितनी संख्या है, तो 6 संख्या इक्वल टू हमारा हो गया 3 × 4 = 7 = 11 = 11 + 20 3 × 23 = 23 ये हमारा हो गया 32 3 × 2 = 5 5 × 2 = 7 7 × 8 = 8 9 × 9 = 10 10 × 11 = 112 112/6 हमारा एवरेज आ गया टोटली किया, तो 56/3 एवरेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। मेंसुरेशन में आपके पूछे गए थे 3 से 4 क्वेश्चन। अभी ये हमारे 3 से 4 क्वेश्चन है किस थे किससे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे थे किस किस चीज़ टॉपिक से, बिकॉज हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम हो पा रहे। तो आपके टॉपिक क्या क्या थे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपके घनाभ से क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि क्यूबॉइड से, फिर सर्कल से क्वेश्चन थे, फिर समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस थे। एक आपका क्वेश्चन क्या था जो कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण लंबार्धक करते हैं। विकर्ण लंबार्धक करते हैं आई थिंक उसका मतलब कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर में कट करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर एक सम चतुर्भुज होता है हमारा, इस तरीके से हमारा सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज के ही विकर्ण एक दूसरे को कट करेंगे इस तरीके से। तो आई थिंक इसका आंसर सम चतुर्भुज होना चाहिए अगर हमारा क्वेश्चन यही सेम टू सेम हुआ तो। फिर हमारा एवरेज की बात करें तो एवरेज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2, नंबर सिस्टम से 1 से 2, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन। मेंसुरेशन के जो आपके क्वेश्चन हमने बताया 3 से 4 पूछे गए थे वो थे इजी, बट उसके लिए आपके छोटे छोटे फार्मूलेज याद रखने आपको बहुत ज़रूरी थे, छोटे छोटे फार्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अब बात करें तो एज से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप टंकी से 1 तथा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन थे। एज के क्वेश्चन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, इसके हमने आपको अलग वीडियो ही बताया। पाइप एंड सिस्टर्न का हमने टाइम एंड वर्क में ही अलग से वीडियोज़ बता दिए हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का हमने अलग से आपको कल ही एक वीडियो बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी हमने आपको बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको जिस तरीके से मैंने आपको वीडियोस में क्वेश्चन बताया उसी तरीके से अभी आ रहे हैं, तो आप चाहे तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, बिकॉज क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मिल नहीं पाए हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई थी, आपके क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई थी और आपको उसका क्षेत्रफल पूछा था। तो यहाँ पर हमें एक्यूरेट तो पता नहीं चल पाई है कि त्रिज्या क्या दी गई थी, तो हमने माना कि वृत्त का त्रिज्या कितना दी गई थी, तो 7। अब आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं वृत्त का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी 22/7 × 7 × 7 इसे अगर हमने बोला 7 मीटर तो ये हमारा आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये आपका कितना इजी था, बट इसके लिए आपको फॉर्मूलेज को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से था कि आपके घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई थी और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे दिया गया था और पूछा था ऊंचाई कितना होगा। तो हम भी इसमें मान लेते कि हमारा क्या क्या दिया होगा। हमने माना कि हमारा लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एंड हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दे रखा था कितना, तो 52 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा था हाइट, तो हम जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता कितना है, तो 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। अब आप इस पे इसे पुट कर दो तो ये हमारा हो गया 2 × लंबाई × चौड़ाई यानी 6 + चौड़ाई × ऊंचाई, ऊंचाई तो नहीं मालूम है तो हमने इसे एच ही लिख दिया, प्लस लंबाई गुना ऊंचाई यानी 2, यहाँ पे आपका चौड़ाई गुना ऊंचाई थे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा आपका 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया हमें इस क्वेश्चन में, हाँ ये हमारा हो गया कितना, तो 3h, ये हमारे हो गए 3h। इस तरीके से हमारा हो गया 2 × लंबाई चौड़ाई + चौड़ाई ऊंचाई + लंबाई × ऊंचाई, तो 6 + 3h + 2h। अब यहाँ पे एरिया हमें दे रखा है 52, अब आप आसानी से इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, 52 = यहाँ पे आपका 52 है, ये हमारा हो गया 52 = 2
दो गुना छः यानी कि हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, तो 12। तो हमने लिख दिया 12 प्लस 3 + 2 5h, 5h प्लस 2 10h, 52 माइनस 12 हमारा हो गया 40 इक्वल टू 10h। तो हमारा ऊंचाई आ गया कितना, तो 4 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मेंसुरेशन में, आपको दिख ही रहा होगा ये कितना ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टॉपिक से हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको निकाल रखे जो कि आपके आने की संभावनाएं हैं। तो एवरेज से हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि तीन संख्याओं का आपको एवरेज दे रखा है 154। पहली संख्या बोल रहा है कि दूसरी से दोगुनी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। तो पहली आपको यहाँ पर पहली संख्या पूछी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करने क्या है, सबसे पहले आप इसे एक रेशियो के रूप में कर दो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का। आप पहली संख्या दूसरों से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, तो अगर आपने पहली संख्या को माना तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर देगा। हम तीसरी संख्या को मानेंगे, हमने जो आपका लास्ट में दिया है आप उसे मान लो। तो हमने माना तीसरी संख्या हमारा 100 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दोगुना है तो 200 हो जाएगा, और पहली संख्या दूसरों से दोगुना है तो ये 400। अब यहाँ से हम इसका एवरेज निकाल लें, तो यहाँ पे हमारा तीनों संख्याओं का एवरेज कितना आ रहा है, तो 800/3। बट हमारा एवरेज कितना दे रखा है, तो 154, यानी कि 800/3 यूनिट बराबर है किसके, तो 154 के। तो हमसे पूछ रहा है पहली संख्या यानी 400 यूनिट के बराबर। तो अगर 803 154 के बराबर है तो 400 कितने बराबर है, 154 मल्टीप्लाई बाई ये हमारा हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 800/3। तो 800 को ऊपर लिखा नीचे लिखा, 3 को ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, ये सॉरी 4 × 2 = 6 का आपका 7 है, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया 700, ये हमारा है 700, तो 22 हो गया। तो इस तरीके से आ गया 22 × 88, 88 × 3 यानी कि 264 हमारा पहली संख्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट भी हमने एवरेज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया है। 9 संख्याओं का औसत दे रखा था 30, प्रथम 5 संख्याओं का 25, अंतिम 3 का 35। तो हमसे पूछ रहे छठी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के आपके बहुत सारे तरीके, एक तो आप 9 × 30 करोगे, फिर 5 × 25 इस तरीके से करोगे, हम इसे दूसरे मेथड में देखेंगे। आपको जो दिया गया है वो लिख दो, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है, 5 का 25 है, अंतिम 3 का 35 है। तो छठी यानी कि एक संख्या का पूछ रहा है, यहाँ से हम बीच में लाइनिंग कर देंगे, 5 × 3 = 8 = 9, इसका आपका एवरेज दे रखा है कितना, 30। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपको बाहर में दिया हुआ है आप उसे लिख लो साइड में, तो 30। उसके बाद आप इधर देखो कि 30 से आपको 5 संख्या का औसत दे रखा है 25, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो 5 कम है। तो अगर 5 कम है तो प्लस करो, तो 5 कितने के लिए कम है, तो 5 के लिए, तो 5 × 5। फिर आप इधर देखो तो 30 से 35 आपका ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा, तो 5 का। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो माइनस, तो ये हमारा हो गया -5 × 3 डिवाइडेड बाई ये हमारा कितना हो गया, एक कितनी संख्या का पूछ रहा है, तो एक संख्या का। अब आप यहाँ से इसे कैलकुलेट करो, 30 + 25 - 15 ये हमारा हो गया 10, यानी कि छठी संख्या हमारा आ गया 40। ये आपको अगर नहीं समझ में आया, आप इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे एवरेज के प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/6 और 8/15 के मध्य नहीं आता है। अगर इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हो, मध्य नहीं आता है पूछा गया हो, तो आप इसे क्या करो, 5/6 दे रखा है, इसे सबसे पहले पूर्ण डेसिमल में चेंज कर दो। 5/6 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.83, फिर 8/15 को डेसिमल में चेंज कर दो तो ये हमारा आ गया 0.53। अब आप ऑप्शन से चेंज कर सकते हो कि कौन सा इसके मध्य नहीं आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है कितना, तो 2/3, 2/3 को करेंगे तो 3/2 किया इस तरीके से, 3/2, तो ये हो गया 0.0618 यानी कि 0.6 समथिंग आएगा जो कि इसके बीच में है। 3/4 को इस तरीके से चेक किया तो 4/3, ये 0.0728 यानी कि 0.7 समथिंग आपका आएगा। 4/5 को इसी तरीके से चेक करो एंड 6/7 को चेक किया तो ये हमारा आ गया 0.86 यानी कि ये इन दोनों के मध्य नहीं है। तो हमारा सही कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपके सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस थे, सीरीज के हमने क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से बन जाए इसके लिए बहुत सारे वीडियोस अभी डाला है हाल ही में, तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपके हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4, फिगर से 2 से 3, कैलेंडर से 1, क्लॉक से 1। अब आपको मैं ये बता दूँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1, ये तीनों जो आपके टॉपिक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से तो एकाक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, बट कैलेंडर और क्लॉक ये आपका नया जोड़ा है, इससे बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे।
अचानक से आने लगे तो आपको ये दोनों को, कैलेंडर एंड क्लॉक को, अच्छी तरीके से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ नहीं रहे थे बट आज पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद जैसे ही हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे हम उसको लेके आपके पास जल्द ही हाजिर होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।